इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, रिंग से निकला हुआ धागे को हम बोलते यार्न निकला हुआ, जो रिंग से रिंग फ्रेम प्रोसेस लाइन को फॉलो करते हुए जो यार्न निकलता है उसको बोलते हैं रिंग स्पन यार्न, और जो हमारे रोटर स्पिनिंग प्रोसेस लाइन को फॉलो करते हुए जो यार्न निकलता है उसको बोलते हैं रोटर पोस्टपोन यार्न, या तो शॉर्ट में ओपन एंड यार्न, और इसको सिंबल आई रिप्रेजेंट करते हैं ओ ई, कैपिटल ओ ई यार्न। और रिंग स्पन यार्न हमारा हर एक क्वालिटी के लिए बनता है, चाहे कोर्सर से कोर्सर बनाइए, फाइनर से फाइनर बनाइए। और जो रोटर ओपन एंड वाला यार्न होता है वो फाइनर यार्न बनाने में उसका क्वालिटी इतना सही नहीं आता है एज कम्पेयर टू रिंग स्पन यार्न। और जो ओपन एंड यार्न बढ़िया होता है सिर्फ कोर्सर काउंट के लिए, 3 से 20 तक, 16 काउंट, 10 काउंट, 12 काउंट, 12 ओई, 16 ओई, 20 ओई, 30 तक, 30 के ऊपर नहीं। तो अभी आपको एक एग्जाम्पल नहीं, पूरा डायग्राम के साथ ओई रोटर स्पिनिंग लाइन का एक मतलब ओपन रोई, ओई का मतलब है ओपन एंड, ठीक है। तो रोटर स्पिनिंग जो प्रोसेस लाइन है, रोटर स्पिनिंग में निकलवा धागों को हम रोटर स्पन यार्न या तो ओपन एंड यार्न बोलते हैं। तो उसका एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्लोरूम से क्या है स्लाइवर बन, ब्लोरूम कार्डिंग ड्रॉ फ्रेम, ये तीन चीज जो रिंग में है इसमें भी वही है। तो उसमें हम बता नहीं रहे, ब्लोरूम में ओपनिंग क्लीनिंग होता है और फाइबर ओपनिंग अच्छा से हो जाता है, क्लीनिंग भी होता है। उसके बाद कार्डिंग में क्या होता है, कार्डिंग में भी और इंडिविजुअल फाइबर ओपनिंग होता है, उसमें और भी कुछ रह जाते हैं इम्प्योरिटीज, उसको भी निकाला जाता है। और वहाँ पे एक लैप फॉर्म में होता हुआ या तो चूट फीड में दिया हुआ जो मतलब फाइबर को एक शेप दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें बनता है स्लाइवर, कार्डेड स्लाइवर, फिर कार्डेड स्लाइवर को उसमें अगर कुछ वहाँ पे क्या पैरेलाइसन नहीं होता होगा या तो नेप्स नाप्स जितने भी इम्प्रूटीज रहता है, डस्ट पार्टिकल रहता है, ट्रस रहता है, ये सबको दोबारा से रिमूव किया जाता है ड्रॉ फ्रेम में, ड्रॉ फ्रेम रहता है ब्रेकर एंड फिनिशर। तो वहाँ पे भी फाइबर का पैरेलाइसन होता है, फाइबर अगर इधर उधर दिशा हर मतलब डायरेक्शन में हो तो उसको एक स्मूथ डायरेक्शन में रखा जाता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है, पैरेलाइसन किया जाता है। और उसमें भी ट्विस्ट लगाया जाता है ताकि आगे वाले प्रोसेस के लिए वो स्ट्रेंथ देगा, मतलब जो प्रोडक्ट निकलेगा स्लाइवर का। और उसमें ट्विस्ट भी दिया जाता है, पैरेलाइसेशन होता है, ड्राफ्टिंग होता है। तो ये था ड्राफ्टिंग ड्रॉ फ्रेम तक का प्रोसेस लाइन, रिंग में जो भी है और रोटर स्पिनिंग में ब्लोरूम कार्डिंग और ड्रॉ फ्रेम, ये तीन प्रोसेस लाइन सेम है। तो ब्लोरूम से अपना चूटफिट सिस्टम के थ्रू हो या तो लैप के सीट के फॉर्म में हो, कार्डिंग को हम इनपुट दिए, कार्डिंग से स्लाइवर निकला, कार्डिंग के स्लाइवर जो निकला उसका क्वालिटी को इम्प्रोवाइज के लिए हम ड्रॉ फ्रेम को इंस्टॉल किए, ड्रॉ फ्रेम से जो निकला उसको बोलते हैं ड्रॉन स्लाइवर या ड्रॉ फ्रेम स्लाइवर। तो यहाँ तक प्रोसेस हमारा सेम था, चाहे रिंग में बनाए रोटर में बनाए। तो अभी क्या है, हमें जो ड्रॉ फ्रेम स्लाइवर को हम फीड करेंगे एज इनपुट फॉर रोटर स्पिनिंग है। तो ड्रॉ फ्रेम स्लाइवर को मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ड्रॉ फ्रेम वाला जो स्लाइवर आया अब देख पा रहे हैं ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइवर है, ड्रॉ फ्रेम वाला स्लाइवर, यहाँ पे ऐसे रोलर लगा हुआ है, ठीक है, यह आया। ये आया यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस स्लाइवर को इसमें फीड कर दिए, ये इस डायरेक्शन में घूमता है और यहाँ पे मान लो ओपनिंग रोलर, ओपनिंग रोलर होता है, शॉर्ट टू थर्ड ओपनिंग रोलर, तो ये घूमता है, देखिए इस तरह जाना होगा ना, इसको ऐसे ही घुमाएंगे, मान लो इसको इस तरफ आगे फीड करेगा तो
तो ठीक है, तो इधर से ये फीड प्लेट है, फीड प्लेट में गाइड रोलर होते हुए इसको पास किया जाता है। पास करा के ये डॉटेड लाइन को मैं मटेरियल फ्लो को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे से यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर होते हुए फिर यहाँ पहुँचता है। यहाँ से फिर अपने को ऐसे बनाना ना, ये वाला एक होता है, फिर इधर से आ गया ऐसे, फिर ऐसे करके ये हो गया, यान यान को फिर आगे ये करा के फिर इधर से आगे क्या करना होता है, सेंसर लगा है इसके अंदर पास करा के फिर ऐसे पास करा के आगे क्या करना पड़ता है, इसको आगे फिर ऐसे अंदर घुसा के फिर आगे यहाँ अनवाइंड किया जाता है। ये हो गया बॉबिन। एक छोटा मोटा डायग्राम बनाया हूँ, कोई ज़्यादा नहीं बनाया हूँ। और इधर से ठीक ठीक है ना, यही है ठीक है। आप देख पा रहे होंगे अभी फिगर में, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब आपको शो कराने के लिए या तो थोड़ा दिखाने के लिए ये डायग्राम बनाया हूँ मैं। तो पहले क्या बात हुआ था, रिंग हो या तो रोटर हो उसके लिए पहले ब्लो रूम से ओपनिंग क्लीनिंग हो जाता है फाइबर का, फिर फीड दिया जाता है कार्डिंग, कार्डिंग में जो स्लाइवर निकलता है उसको बोलते हैं कार्डर स्लाइवर, फिर ड्रॉप फ्रेम में प्रास कराते हुए जो स्लाइवर निकलता है उसको बोलते हैं ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर, फिर ये ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर को हम कलेक्ट करते क्यान में, और क्यान में जो स्लाइवर कलेक्ट हुआ क्यान में जो स्लाइवर कलेक्ट हुआ रहता है उसको डायरेक्ट क्यान लगा के रोटर स्पिनिंग को, रोटर स्पिनिंग ये प्रोसेस होता है, टोटल डायग्राम होता है रोटर स्पिनिंग, इसको इनपुट के हिसाब से दिया जाता है ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर। यहाँ पे हो गया स्लाइवर जो लिखा में दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, ये ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर, ये ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर को हम इनपुट के हिसाब से दे दिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड यान स्पिनिंग सिस्टम, ओपन एंड यान स्पिनिंग या तो रोटर स्पिनिंग जो भी आप समझिए, रोटर स्पिनिंग से निकले हुआ धागे को भी हम बोलते हैं ओपन यान, या तो ओपन एंड यान स्पिनिंग या तो रोटर स्पिनिंग, जो भी आपको समझिए कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल क्या है, पहले उसको फीड किया जाएगा ड्रॉन स्लाइवर फीडिंग ठीक है, फिर होगा क्या ओपनिंग टू इंडिविजुअल, ओपनिंग इन टू इंडिविजुअल फाइबर्स, फिर सप्लाइंग टू रोटर, चौथा डिपॉजिटिंग इन रोटर ग्रुप, फिर यार्न मेकिंग एंड
टेक ऑफ, सिक्स्थ क्वालिटी कंट्रोल एंड वाइंडिंग। ये जितने भी लिख दिया हूं आप थोड़ा एक बार अच्छा से देख लीजिए, आपको इस साइड से समझाना पड़ेगा। ड्रॉन स्लाइवर जो ड्रॉप, देखो ब्लो रूम लाइन कार्डिंग एंड ड्रॉप फ्रेम, ब्लो रूम से ओपनिंग क्लीनिंग हुआ, कार्डिंग में स्लाइवर निकला उसको इंप्रोवाइज के लिए एक ड्रॉप फ्रेम सेक्शन को ऐड किया, ड्रॉप फ्रेम सेक्शन से जो स्लाइवर निकल रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉन स्लाइवर, ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर। और उसको हम क्या है पहले फीड करते हैं, जो ड्रॉप्स ड्रॉन स्लाइवर या तो ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर को फीडिंग किया जाता है, यहाँ पे कैन में कलर किया जाता है स्लाइवर को, ड्रॉप फ्रेम का जो आउटपुट में स्लाइवर निकलता है उसको कैन में कलर किया जाता है और ये कैन को फीड दिया जाता है एज ए इनपुट टू रोटर स्पिनिंग या तो टू रोटर, इसको यह होता है रोटर या तो रोटर स्पिनिंग सिस्टम, टोटल सिस्टम होता है रोटर स्पिनिंग सिस्टम, तो रोटर को इनपुट के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे गाइड रोल लगा है, यहाँ पे यह फीड किया जाता है, तो ये जो होता है फीड रोलर, फीड रोलर में ये फीड हो जाता है, ठीक है। तो इधर से आया स्लाइवर ऐसे होते हुए यहाँ तक फीड हो गया। दूसरी क्या है ओपनिंग इन टू इंडिविजुअल फाइबर, स्लाइवर में फाइबर बंड हो गया ना पहले से, ड्रफ्टिंग किया गया है और स्लाइवर थोड़ा सा पार्शियल ट्विस्ट दिया जाया गया था, तो यहाँ पे ये शॉर्ट टूथेड ओपनिंग रोलर होता है जो हमारी ये होता है ओपनिंग रोलर, शॉर्ट टूथेड ओपनिंग रोलर, बड़े बड़े दांत होता है उसमें, ये हाई स्पीड घूमता है, ये जितना भी स्पीड में ये सप्लाई होता है इससे ज़्यादा स्पीड में ये रोटेट करता है, तो इसका जो रोटेशन एंगल इस तरह है, इस तरह ऐसे, तो इधर से आया ऐसे घुमा ओपनिंग रोलर, ये शॉर्ट टू थर्ड रोलर, इसमें दांत होता है, इतना तेज घूमता है कि ये जो स्लाइवर को पूरा ब्रेक करता है और उसको इतना अलग अलग होता है, सेपरेशन होता है कितना, पूरा इंडिविजुअल फाइबर तक भी इसका ये सेपरेट हो जाता है। और जैसे फाइबर हल्का है और आगे से ये रोटर है, ये वाला रोटर है, यहाँ पे सक्शन मोटर लगा है और ये एक पाइप है और ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा फनल टाइप का, जैसे कि ये वाला एंड है थोड़ा नैरो डाया वाला, ये थोड़ा ब्रॉड डाया वाला इसका, यानी ये वाला चौड़ा ज़्यादा है, इस साइड का थोड़ा जो डाया है कम है, फनल टाइप का। तो इधर से सक्शन मोटर लगा हुआ है, वैक्यूम क्रिएट करता है, तो ये जो पैसेज है इस पैसेज में हल्का वाला जो फाइबर होता है आगे के लिए चला जाता है, आगे क्या रोटर है और जो उसमें ट्रांस मटेरियल होता है थोड़ा हैवी मटेरियल या तो इम्प्योरिटीज, वो नीचे गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। और इधर से बेल्ट लगा है, ये फिर आगे साइड हो जाता है जो वेस्टेज में, ठीक है। तो ये समझ गए फीड हुआ, फीड रोलर यहाँ पे ओपनिंग रोलर है, इसको इतना रोटेशन स्पीड ज़्यादा है कि ये जो स्लाइवर को इंडिविजुअल फाइबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इंडिविजुअल फाइबर अलग अलग कर देते हैं पूरा बिल्कुल, यानी कि ओपनिंग हो जाता है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ आगे गया सप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे क्लीनिंग भी हो जाता है, जो हैवी मटेरियल होता है ट्रास होता है उसको नीचे गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है वो आगे चला जाता है कलेक्शन होते होने। तो यहाँ पे जो सक्शन मोटर लगा है ये वाला पॉइंट जो होता है थोड़ा इसका जो फनल टाइप का है, ये जो साइड है ओपनिंग के बाद जो फाइबर आगे जाने के लिए, तो ये साइड थोड़ा चौड़ा होता है, उस साइड थोड़ा कम चौड़ा होता है या तो वो साइड नैरो होता है, तो ये जब उस पर सक्शन किया गया वैक्यूम सक्शन मोटर लगा कि इस अंदर वाला एयर को प्रेशर कम किया, तो इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा होने के वजह से तो ये आगे की तरफ चला जाता है, तो ये ओपनिंग रोलर का जो स्पीड है और रोटर की स्पीड इससे कहीं अच्छा ज़्यादा स्पीड होगा तभी तो ये खींचेगा। तो ये क्या है ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये वहाँ पर एयर करेंट के थ्रू आगे चला जाता है। यह होता है रोटर, रोटर क्या है एक सर्कुलर टाइप का डिवाइस है, मतलब सर्कुलर टाइप का है कि रोटर मतलब मोटर लगा हुआ है और रोटर है तो उसको बोलते हैं रोटर। तो उसमें क्या अंदर एक ग्रूव है, ग्रूव यानी कि रैक, और ये फाइबर गया वहाँ पे उसका आउटर प्लेट में घूमता हुआ फिर उसके ग्रूव में डिपोजिट हो जाता है, ओपनिंग हुआ यहाँ सप्लाई हुआ इधर और डिपॉजिटिंग इन रोटर ग्रूव, यहाँ आउटर प्लेट में डिपॉजिट होने के बाद ये ग्रूव जो होता है अंदर ग्रूव में डिपॉजिट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है यहाँ होता है ये ओपन एंड का मेन काम, यहाँ पे फाइबर से धागा बनना और एक पहले बना हुआ धागा को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है पहले से ग्रूव से,
और ये ग्रूव इस तरह डायरेक्शन में घूमता है ऐसे, तो यहाँ पे वो धागा भी अगर उसका फंसाया जा जाएगा तो ये इस तरह डायरेक्शन में घूमेगा। घूमने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो फाइबर इकट्ठा होता है ये घूमने के बाद ये साथ में ट्विस्ट होता रहेगा, घूमेगा यानी कि वो ट्विस्ट होता रहता है। और यहाँ पे फाइबर अलग अलग है, सेपरेट हो गया पहले से, तो ये जितना एक ये घूमेगा तो इसके आगे वाला हिस्सा घूमेगा, और ये यहाँ पे फाइबर है, मान लो इसको मैं घुमाऊँगा अगर ट्विस्ट लग रहा है तो ये इस तरफ खींचेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो खींचने के बाद ये क्या इसके साथ में कनेक्शन में आ जाएगा एंड्स के साथ, तो ये जो यान होता है इसके साथ कनेक्शन में आ जाएगा, अपने तरफ खींचता रहेगा और ट्विस्ट इंसर्ट होता रहेगा, और आगे रोलर लगा है तो ये इस तरफ खींचेगा। खींचने के वजह से ये जो फाइबर है यान में कन्वर्सन हो जाएगा, फिर ये यान को इधर होते हुए आगे टेकर रोलर लगा है, ये गाइड रोल, ये भी गाइड रोल, यहाँ पे से क्या है यान मेकिंग हो गया यहाँ पे, और आगे टेकअप के वजह से टेकअप भी हो जाता है, और फिर क्या है क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ रहता है यान क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ तो यान क्लियर सेंसर, सेंसर में यान का क्वालिटी सही हो रहा है नहीं हो रहा, ट्विस्ट लग रहा है नहीं लग रहा, कहीं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज़ होते हुए फिर यहाँ पे टेकअप यूनिट को आ जाता है, ये चलता रहता है, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो ये आगे खींच लेता है और फिर धागे में वैक्सिंग करना है, अगर मान लो क्वालिटी अच्छा के लिए वैक्सिंग, मतलब वैक्सिंग रोलर होता है, वैक्सिंग किया जाता है। वैक्सिंग के बाद ये यान को यहाँ पे ये एक मतलब यहाँ पे भी मोटर लगा है तो वो ग्रूव के साथ इंसर्ट कर दिया जाता है, तो इसमें धागा को लपेटा जाता है या तो बॉबिन वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये बॉबिन जो बनता है ये 2 किलो से 3 किलो 5 किलो तक का रेंज है, वो कंटिन्यूस बड़ा पैकेज बना सकते हैं, जो हमारे रिंग में छोटे पैकेज बनता था, रिंग कॉप बनता था, कॉप बॉबिन, रिंग बॉबिन छोटा सा जो 50-60 ग्राम तक उसका लिमिट रहता था, 70 ग्राम 60-70 ग्राम का। तो यहाँ पे क्या है बॉबिन जो पैकेज बनेगा वो 2 किलो से 5 किलो तक हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या है ये कि इधर से स्लाइबर फीड हुआ, ड्रॉपफ्रेम स्लाइबर को फीड कर दिए, ओपनिंग हो गया, सप्लाइंग हो गया, ड्रॉपफ्रेम स्लाइबर फीडिंग हो गया, उधर ओपनिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स हो गया, और क्लीनिंग भी हो गया जो ट्रांस मटेरियल रहता है, और आगे से फीड हुआ, यहाँ पे एयर करंट के वजह से ये आगे सप्लाई हो गई, फिर वहाँ डिपॉजिट हुआ आउटर प्लेट में, और रोटर का जो अंदर वाला ग्रूव होता है वहाँ से जो फाइबर जमा हुआ उसका उसके फाइबर के साथ एक यान को पहले इंसर्ट किया जाता है इसी नाली के थ्रू, डक्ट के थ्रू, और वहाँ पे जब ये घूमता है उसके साथ साथ ये भी घूमता है यान, यान घूमते टाइम ये आगे वाले हिस्सा में ट्विस्ट इंप्लाई होने के बाद ये आगे खींचता है, ट्विस्ट लगता है तो जो इंडिविजुअल फाइबर्स उसमें बंड हो जाता है, बंड होने के वजह से यान बनना स्टार्ट हो जाता है एक तरह यहाँ से, फिर ये आगे टेकअप रोलर है इसको खींच लेता है, और वैक्सिंग का जरूरत होता है तो वैक्सिंग भी होते हुए या तो उसका क्वालिटी कंट्रोल यहीं पे किया जाता है, कहीं थिकनेस कम ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस वजह इसके हिसाब से ये पास होते हुए फिर आगे जो बॉबिन वाइंडर होता है ऊपर तो वहाँ पे बॉबिन वाइंडिंग हो जाता है, और वहाँ पे बड़ा पैकेज स्टार्ट होता है, यानी कि स्लाइबर से यान बना, यान से डायरेक्ट बड़ा पैकेज भी बनना पॉसिबल हो जाता है। ये था एक मोटा मोटे रोटर स्पिनिंग का एक पैसेज फ्लो थ्रू रोटर स्पिनिंग, और इसमें जो धागा निकलता है उसको हम बोलते हैं ओपन एंड यान। तो यही था, तो आज का टॉपिक इतना ही है, प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड यान, ये पॉइंट आप लिखिए हैं, और ब्लू रूम कार्डिंग ड्रॉपफ्रेम तक सेम है, आगे का ये अलग है, और इसमें जो धागा निकलता है उसको बोलते हैं ओपन एंड यान, रिंग में जो धागा निकलता है उसको बोलते हैं रिंग स्पन यान, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम फाइनल यान बनाएंगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, पर कंटिन्यू प्रोसेस से प्रोडक्शन के मामले में बढ़िया है, तो ये कोर्सर काउंट के लिए प्रीफर है, और रिंग स्पन यान जो होता है वो थोड़ा फाइनर से फाइनर और हर एक क्वालिटी का धागा बनाने में वो बेहतर होता है। तो आज के टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अभी क्या बात करें, आज का टॉपिक खत्म होगा तो फिर आगे के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा एक बार लाइक बटन दबाइए, और जरूरत जिनको ज़रूरत है उनको सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाइए दूसरों को शेयर करके, और आप लोग रोज़ देखिए, इसमें कोई इम्प्रोवाइज करना है या तो कुछ चेंजिंग करना है तो बताइए फीडबैक, और सही लगे तो फीडबैक दीजिए, और सही नहीं लगा तो भी फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए रहे धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए, ओके।